तो वही हथियार है। इसका मतलब मैं सही थी, खूनी इसी परिवार से है। पर ये यहाँ क्यों रखा? यहाँ तो ये तो जनरल रूम है, यहाँ तो कोई भी आ जा सकता है। सुख मानी, ये तो ये सब छोड़ दे, बाद में इसके बारे में सोचना। अभी जय को तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। सब लोग जाके पेड़ों पे छिप जाओ, अभी इसी वक्त। अब बस मुझे उस नाग के बच्चे जय का इंतजार है। चालाकी से आ रहा है, जरूर कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ है। डैड, अब से ठीक 2 मिनट के बाद आप जोर जोर से चलाइएगा। लेकिन क्यों? स्मार्टली उस जय को पकड़ने के लिए, ताकि आपकी आवाज सुनके वो बाहर आ जाए और हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड जॉब दक्ष, अब से ठीक 2 मिनट बाद शुरू होगा असली खेल, द रियल गेम। नागिन की बच्ची, उसे लगता है वो मुझसे बेटर है, मुझसे। अरे मोरनी हूँ मैं, मोरनी। मेरे आगे नहीं टिकती वो जहरीली नागिन। रंग रूप ताटक सब में उससे आगे, कोसो आगे। इडियट, इतने लापरवाह कैसे हो सकता तुम? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि तैयार रहना, वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। इसलिए बताओ मुझे कौन था वो? ओह, तो तू था वो गंध फैलाने वाला सांप। तू नाग है ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन तू एक है और हम अनेक। अनेक। वेलकम जय माथुर, वेलकम। तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, पर तेरी दावत उठा के आए इकट्ठा पे वाले। तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुमने अपने दोस्त से झूठ बुलवाया कि पानी मेरा? पानी का नाम मत लेना, वॉर्न कर रहा हूं। शायद तेरे नाग होने की वजह से ना हमें उन माथुर से इतनी नफरत है, और इसीलिए हमने इसे हर बार हराया है। राइट ऑन डैड, सही कहा आपने। अब ये जय माथुर है या नाग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बचपन से ही लूजर था, है और रहेगा। जो मेरे भाई के साथ किया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तू पहली बार तो बच गया था जय माथुर, इस बार तू मरेगा
और टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि मुझे सख्त नफरत है इच्छाधारी नाग और नागिन से। वो रही प्रयाग की पहाड़ी। मयूरी, तुझे क्या लगा तू मुझसे तेज भाग सकती है? सवाल ही नहीं। अब मैं आ गई हूं ना, अब तो तू गई। शक्ल पे नहीं और अकल पे ध्यान दिया होता ना तो तुम मुझे हरा पाते, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं। मुझे बाहर निकाल। यू नागिन, नागिन मैं आ रही हूं। जय, तू इतने साल हमारी पैर की जूती बना रहा, लेकिन पता ही चला कि तू इच्छा तारी है। टैलेंट है यार। अगर तू इच्छाधारी नाग है तो हम चील है तेरे बाप। खैर, ये बता कि तूने यार बाणी पे कैसा जादू किया यार? शोक मना रही है मौत की। हाँ, उसे लगा तू मर गया है, पर मुझे दोषी मानती, मुझसे नफरत करती, उसको ये नहीं पता कि तू जिंदा है, और तूने झूठ कहा उससे। पता ही नहीं उसे। बेवकूफ, सच तो भानी भी तुझसे नहीं बोल रही, अपनी पहचान को लेके। लेकिन इस वक्त मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वरना ये जान ले लेगा मेरी। अबे मुंह खोल और सच बता, तूने पंकी पे अटैक किया था? तू ही था ना वो नाग जो हमारे घर पर था? तू इच्छाधारी नाग है, लेकिन हमें तेरी नाग गंध कभी नहीं आई, ऐसा क्यों? पहले मेरा कॉलर छोड़। मुझे पहले नहीं पता था कि मैं इच्छाधारी नाग हूं। जब मुझ पे हमला हुआ तब जाके मुझे मालूम पड़ा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मुझ पर जानलेवा हमला हुआ उसके बावजूद मैं जिंदा बच गया और नाग बन गया, और यही बात बताने के लिए मैं बानी के पास आया था। हाँ। लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई। और तूने मेरे भाई पे अटैक किया, उसकी वो हालत की। मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, वो तू ही था। बिल्कुल यही है नाग। वैसे क्या है ना, मुझे पार्टी के टाइम पे ना गंद आ गई थी, क्योंकि नाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एक्चुअली क्या है, मैंने ना पकड़ने के लिए वो रुद्राक्ष का माया जाल भी बिछाया था, चक्रव्यूह, लेकिन तू वहां से भाग के निकल गया। फिर मैं तेरे पीछे 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 यहां तक पहुंचा, और फिर बाइकर की आंखों में मैंने सब सच देखा, और सब सच मेरे सामने आ गया। तूने उसे भी मार दिया। ऐसा करना नहीं चाहता था। हाँ, ठीक जैसे तू पंकी को धक्का नहीं देना चाहता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं दोबारा बोल रहा हूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन चीलों के सामने तो मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। पता नहीं इन लोगों ने कौन सा नया जाल बिछाया होगा। इन सब से मुझे बहुत होशियारी से निपटना होगा। दादा होशियार मत बन। तुझे क्या लगता है, तू चिल्लाएगा, झूठ बोलेगा तो हम तुझे जाने देंगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो सच है वही कह रहा हूं। अच्छा, तू ये बता कि तू नाग कब बना? दो दिन पहले। कैसे? मैं बेहोश हो गया था अटैक के बाद, और किसी और ने तुम्हारे भाइयों ने किया था। वो पंकी भी था। अटैक नहीं था वो, मेरे भाइयों ने क्या किया, तुझे उठाकर ऐसे सुनसान जगह पे छोड़ दिया, क्योंकि पार्टी में तू मुझे खटक रहा था रे। हाँ भाई, इसीलिए इसको उठवा दिया था बस। पर मारा होता तो मर गया होता। ए, झूठ मत बोल। ए, चला मत, कुछ फर्क नहीं होगा। हाँ, तू जिंदा है, मेरा भाई कभी भी मर सकता है, इसलिए ये रोनी सूरत मत बना, किसी को कोई तरस नहीं आएगा तुझ पर।
बस वीर, बातें बहुत हो गई। अब इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सही कहा डैड, बहुत बातें हो गई, अब मिलेगी सजा, सजाए मौत। तो बताइए जय माथुर, आप कैसे मरना चाहेंगे? मतलब पहाड़ी से धक्का दो, आउच, या फिर वॉलीबॉल की तरह उछाल उछाल कर? क्या इन्हों पंजों में ऐसे उठाऊंगा, ऊपर लेकर जाऊंगा, फिर नीचे के थप, तो उठक पटक उठक पटक उठक पटक, तब तक जब तक तू सच में इस बार मर नहीं जाता। ऐसा करने की सोचना भी मत, अगर मुझे एक भी खरोच आई ना तो पानी पानी का नाम बदले वरना मैं तुझे